चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर के मकराना में डॉक्टर पिता और पुत्र लिंग जांच करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। मकराना के सनसिटी हॉस्पिटल में भ्रूण जांच किए जाने और कन्या भ्रूण होने पर उसे ठिकाने लगाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष टीम बनाई और बोगस ग्राहक के रूप में एक महिला को लेकर वो मकराना पहुंचे। टीम के साथ आई इस महिला ने योजना के मुताबिक सनसिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नियाज से भ्रूण जांच की मांग रखी और डॉक्टर नियाज उसके लिए तैयार हो गया। साथ ही जांच में कन्या भ्रूण होने पर भ्रूण को निकालकर ठिकाने लगाने की भी कही। तभी मौके पर विजिलेंस टीम और पबसर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा और डॉक्टर नियाज और एक नर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस टीम ने जब सनसिटी हॉस्पिटल की जांच की तो टीम के सदस्य हैरान रह गए, क्योंकि ये डॉक्टर उसी सोनोग्राफी मशीन को काम में ले रहा था जिसे विजिलेंस टीम के पिछले छापे में सीज किया गया था। सनसिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर नियाज ये इलीगल सेक्स डिटरमिनेशन करता है, इसके आधार पर हमने बोगस ग्राहक तैयार किया जयपुर से और सहयोगी महिला को बुलाकर पहले इसका वेरिफिकेशन कराया, फिर उसको नंबरी नोट दिए 30,000 रुपये के। उसके आधार पर सनसिटी हॉस्पिटल में डेको को भेजा प्रेगनेंट लेडीज़ को। प्रेगनेंट लेडी को इन्होंने सोनोग्राफी करके और लड़की बताया। फिर इसने जो हमारे डेको थी प्रेगनेंट लेडी, उसने कहा कि ये 7 महीने का गर्भ है, इसलिए अब इसका मुझे गर्भ गिराना तो क्या करोगे। तो उसने कहा कि ये लड़की है मगर इसका जो गर्भ गिराने के लिए इसको जिंदा पैदा करना पड़ेगा और जिंदा पैदा करने के बाद उसके मारने की अलग से फीस लेनी पड़ेगी। और इस आधार पर जो है यहाँ सीओ साहब और लोकल प्रशासन की सहायता से उस पर जो कार्रवाई की गई। जयपुर शासन सचिवालय में श्री नवीन जैन साहब जो विशेष सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ से एक टीम आई है एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। उस टीम ने यहाँ पे PCPN DT एक्ट में कार्रवाई की है, जिसमें अजन्मे बच्चों के भ्रूण परीक्षण के संबंध में जो डॉक्टर न्याज है ये यहाँ एक नर्सिंग होम चलाता है और इस डॉक्टर न्याज के पहले भी इस तरह से काफ़ी मामले हो चुके हैं। एंटी करप्शन का भी एक केस हो चुका है और इसकी पहले ये जो भ्रूण परीक्षण संबंधी सोनोग्राफी मशीनें हैं पहले भी सीज की जा चुकी है। आज भी उन सीज की हुई मशीनों को ही दूसरा मॉनिटर लगा के यूज़ कर रहा था, ये सीज किए हुए जो उपकरण थे उनका उपयोग कर रहा था। ये एक अलग से एक अपराध है जिसके बारे में संबंधित विभाग आगे कार्रवाई करेगा और इसके यहाँ पहले भी इस तरह से इंसिडेंट हो चुके हैं और इस मामले में काफ़ी बदनाम है, लेकिन फिर भी इस तरह से कार्रवाई कर रहा है। आज जो इसके साथ कार्रवाई की सख्ती से कार्रवाई की गई है।